बढ़ रही है मेहर की बेकरारी, आज मेहर ने की है खास तैयारी। एक तूफान घर के बाहर है और एक तूफान मेहर के दिल में उठा हुआ है। दरअसल मेहर कर रही है मानव का इंतजार। जी हाँ, मेहर ने फाइनली अपनी मम्मी जी को मानव के बारे में बता दिया है और आज मेहर मानव को मम्मी जी से मिलवाना चाहती है। लेकिन मेहर के चेहरे पर छाई ये चिंता हमें किसी अनहोनी का अंदेशा दे रही है। मेहर, आप ही बता दीजिए इस टेंशन की वजह क्या है। जो मेरी मॉम है वो मेरी शादी कहीं और तय कर रही हैं एंड उस चीज़ को लेकर ऑफ कोर्स आई एम वेरी डिस्टर्ब्ड। बट खुशी की बात यह है कि मम्मी जी एक्चुअली मान चुकी हैं कि यू नो शी इज एग्रीड कि वो मानव से हम मिले। तो मैं बहुत एंग्शियस इसलिए हो रही हूँ क्योंकि बाहर बहुत बारिश चल रही है और मौसम बहुत खराब है और यहाँ मैं वेट कर रही हूँ कि मानव आए और मम्मी जी को आके इम्प्रेस करे। मानव को मम्मी से मिलवाने के लिए बुला तो लिया, लेकिन ये तो सब अच्छे से जानते हैं कि अटारी की सरपंच कुलवंत कौर को इम्प्रेस करना इतना आसान भी नहीं है। तो मेहर, आज के लिए क्या क्या तैयारियाँ की हैं आपने? अगर आपको पता होगा तो मेरी मम्मी जी बहुत ईजी टू प्लीज तो है नहीं, तो मैंने उनको काफ़ी रिक्वेस्ट करी और काफ़ी ज़्यादा प्लीड करा, काफ़ी ज़्यादा बेक करा कि प्लीज़ एटलीस्ट मेरे प्यार को एक चांस ज़रूर दीजिए। और फिलहाल तो मैं अंदर पकौड़े तल रही हूँ और चाय वाय बना के एकदम फुल सेट हूँ कि मानव आए और हम दोनों इकट्ठे मिलकर मम्मी जी से बात करें। यहाँ मेहर मानव की राह देख रही है, वहीं कुलवंत कौर के इरादे कुछ अलग ही हैं। कुलवंत कौर अपने पूरे परिवार के साथ पहुँच गई हैं सरबजीत सिंह गिल के घर पर खास मेहमान बनकर। एक्चुअली एक डिनर ऑर्गेनाइज किया था मैंने मेहर की फैमिली के लिए, तो वो आए हैं हमारे पास यहाँ पे, कुछ बातचीत हो रही है। तो बच्चे लड़ पड़े किसी चीज़ को लेकर, जो कि आप जब एपिसोड देखोगे पता लगेगा किस चीज़ को लेकर। तो उनके बीच में अनबन हो रही थी, तो हमारी जो कुलवंत कौर जी, उन्होंने उस चीज़ को सेटल करवाया एंड नाउ इट्स ऑल सॉर्टेड। इस खास दावत का इंतजाम किया गया था खास मेहर के लिए, ताकि शादी से पहले सरबजीत मेहर को जान पहचान पाए, लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं पाया। वही नहीं डिनर रखा था बट वो कुछ अपने काम के कारण आ नहीं पाई हैं, तो इसलिए हम आपस में बातचीत कर रहे हैं। अब ये तो मेहर जब हमारा प्रस्ताव लेके जाएंगे उनको पता लगेगा, तब देखते हैं उनका क्या जवाब होता है, वो हाँ बोलती हैं कि ना बोलती हैं। सीरियल छोटी सरदारनी में मेहर की जिंदगी जल्द ही नए मोड़ लेने वाली है। फिलहाल मेहर इस तूफान के थमने का इंतजार कर रही है ताकि जल्द से जल्द मानव घर आ पाए, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि जल्द ही एक तूफान उसकी जिंदगी में भी आने वाला है। मुंबई से नवीन सिंह भारद्वाज की रिपोर्ट, E24।